हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शुभम शर्मा। स्टूडेंट्स, कल भी हमने इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो आपके लिए डाला था क्लास टेंथ वालों के लिए। सो आज भी उत्तराखंड बोर्ड क्लास टेंथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग, जो आपको लेटर राइटिंग वगैरह है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं इंग्लिश के, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर में आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड मैं टॉपिक्स कुछ आपके लिए लाऊँ, तो उन टॉपिक्स को आप जरूर देख लें और पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे समझ आ जाए कितने कितने लाइनों में आपने इन टॉपिक्स को लिखना है। पूरा मैं एग्जैक्ट क्लियर करूंगा। और हिंदी के जो कुछ टॉपिक्स हैं उनके वीडियो मैंने अभी दिन में अपलोड किया था, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके उसमें देख लेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश वगैरह के टॉपिक्स हमें बता दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने टॉपिक्स हम उनकी तैयारी उनके अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो आपको मैं नए नए टॉपिक्स आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर जो है उसके थ्रू आप लिख सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। सो कल मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया था इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, तो वो वीडियो आपको जो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे राइटिंग आपने किस तरीके से लिखना है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, लेटर राइटिंग अगर आप लिखते हैं तो उसमें आपको क्या होगा, दो नाम दिए जाएंगे और हो सकता है किसी कॉलोनी के बारे में, किसी जगह के बारे में आपको दे दिया जाए। जैसे इसमें लिखा है सेक्टर सी आनंद कॉलोनी हरिद्वार, द सैनिटरी कंडीशन वेरी पुअर एंड वाटर सप्लाई इज़ वेरी इरेगुलर, यानी क्या कह रहे हैं कि इसमें पानी की जो सप्लाई है वो लगातार नहीं हो पा रही, यानी पानी की शॉर्टेज वगैरह रहती है। तो राइट अ फॉर्मल कंप्लेंट, यानी क्या आपको यहाँ फॉर्मल लेटर लिखना है, ठीक है। मैंने कल भी आपको क्लियर किया था, जो फॉर्मल लेटर होता है वो कंप्लेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है लेटर ऑफ द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आपने क्या करना है, कंप्लेंट लिखनी है। तो कंप्लेंट, इंक्वायरीज़ या रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन टाइप के जो लेटर होते हैं आपके फॉर्मल लेटर होते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको क्लियर किया था। लेटर आप सिर्फ वन पेज के अंदर ही इसको इंक्लूड करके लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा चौड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की नोटबुक होती है काफ़ी अच्छी खासी बड़ी होती है, उसमें आप एक पेज में का अच्छे से लेटर को अच्छे तरीके से लिख के अटका सकते हैं। अगर नहीं भी, अगर आपका पेपर अटकता है उसमें, एक पेपर में आपका लेटर नहीं आ पाता है, तो एक आध दो लाइन दूसरे पेपर की आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे सेकेंड लेटर जो आपका है, इसमें हेमंत और शिवानी जो हैं, ठीक है, निराला नगर नैनीताल के हैं, वो अपने फादर को लिविंग आउट इन दिल्ली के लिए लेटर लिख रहे हैं। ये लेटर आपका इनफॉर्मल लेटर होता है। तो ये क्या है, रिक्वेस्टिंग टू परचेज अ रिफ्रेशर बुक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंड योर बाई पोस्ट, यानी क्या कह रहे हैं वो इस तरीके के लेटर लिख रहे हैं कि उन्हें कुछ बुक्स की जरूरत होगी जो उनके वहाँ पे नहीं मिल रही होंगी, तो इसलिए वो अपने पिताजी को लेटर लिख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक वो है क्या है उन्हें बाई पोस्ट वो भिजवा दें, ठीक है। तो इस तरीके के लेटर जो होते हैं आपके किसमें, फॉर्मल लेटर के अंदर आए, इनफॉर्मल लेटर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट आपको पैराग्राफ यहाँ दिख रहा है, 60 वर्ड का आपको एक पैराग्राफ लिखने को आता है, मैंने कल भी आपको कहा था उसमें आउटलाइन गिवन रहेगी, आपको कुछ टॉपिक्स गिवन रहेंगे, तो देखेंगे इसमें फॉरेस्ट आर आवर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका वो फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स लिख गया है, तो आप यहाँ फ्रेंड्स की स्पेलिंग आप सभी जानते ही हैं, एफ आर आई ई एन डी एस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड्स रहेगा, फॉरेस्ट आर अवर फ्रेंड्स, यानी जो है जंगल के हैं हमारे मित्र हैं, ठीक है। गुड मैनर्स, इस पर भी आप लिख सकते हैं टॉपिक्स। और यहाँ पे आप नीचे वाला देखेंगे अवर स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी पुराने समय में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं ये, काफ़ी टाइम से ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपका पैटर्न है वही बार बार रिपीट होता है, कुछ नया इंक्लूड नहीं किया जाता। हो सकता है इस बार आपको शॉर्ट नोट जो है कोरोना वायरस पे COVID-19 करके कुछ भी दे दिया जा सकता है, तो उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है, उस पर आप लिख सकते हैं। कोई नहीं, 60 वर्ड कोई ज़्यादा बड़ी भारी बात नहीं है, आप नॉर्मली तरीके से आप लिख सकते हैं। तो कोविड के बारे में आप अच्छी से कोई इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर लें और उसको अच्छे से आप लिख लें, ठीक है। ऑन बेसिस द हिंट्स गिवन बिलो राइट अ पैराग्राफ 80 वर्ड, आपको क्या करना है 80 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। द एनुअल डे ऑर्गेनाइज इन माई स्कूल, यानी एनुअल डे का फंक्शन जो है आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उस पर कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जैसे 10 नवंबर 2012 में चीफ गेस्ट आपके कौन होंगे, वेलकम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, यहाँ पर प्रिंसिपल की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, सो आप इसकी प्रिंसिपल की स्पेलिंग PRINCIPL करके लिख लेंगे, ठीक है। सो स्टाफ फंक्शन स्टार्टेड, कल्चर प्रोग्राम एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीच ऑफ चीफ गेस्ट, वाटर थैंक्स फॉर सीनियर टीचर्स, ठीक है। इस तरीके से आप लेटर लिख लेंगे। नेक्स्ट आपको देखो, मैंने एक लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल और आपको 60 वर्ड्स का जो आपका पैराग्राफ आता है और 80 वर्ड के जो पैराग्राफ आते हैं दोनों बता दिया। अब दूसरे तरीके से मैं आपको लेटर राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय कॉलोनी ब्रिज विहार आएगा, यहाँ पे विहार ही लिखा हुआ है, ठीक है। अम्बाला, योर ग्रैंडफादर हैज़ सेंट यू अ लैपटॉप एज अ प्रेजेंट ऑन योर 16th बर्थडे, यानी क्या है कि
किसी बच्चे के दादाजी जो हैं वो क्या करते हैं, उसके 16 बर्थडे पे उसे लैपटॉप गिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए एक लेटर जो है आपको लिखना है, ग्रैंडफादर इन्फॉर्मिंग हिज द यूज़फुलनेस ऑफ द लैपटॉप इन योर स्टडीज़, यानी आपका जो दादाजी ने आपको लैपटॉप दिया है इस तरीके से उस पर आपको ये शो करके दिखाना है कि वो लैपटॉप आपकी स्टडी के लिए आपके लिए किस तरीके से यूज़फुल है, इसलिए उस पर आप लेटर लिखेंगे। ये आपका लेटर जो आएगा ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इनफॉर्मल लेटर के अंदर आपका आ जाएगा। फॉर्मल लेटर में आपका ये आ जाएगा लेटर एडिटर टू टाइम्स ऑफ इंडिया कॉलोनी, इस तरीके से आप किसी भी उसमें लिखेंगे पूरा अटेंशन और पे टू बैंक स्टाफ इन टू वर्ड द कस्टमर, यानी ये लेटर आप लिखना है बैंक के रिलेटेड है कि वहाँ पे जो स्टाफ है वो अच्छा नहीं है क्योंकि वो कस्टमर को काफ़ी देर तक वहाँ पे रोके रखता है, इसलिए उनका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। सो इस तरीके से कोई लेटर आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे राइट अ पैराग्राफ यानी 60 वर्ड्स, जैसे स्कूल में आपके गेम हो गए स्मोकिंग आ कोर्स, ठीक है सॉरी कर्स, ठीक है, और माई मोबाइल, इस तरीके से आप इन पे भी क्या लिखते हैं 60 वर्ड के टॉपिक लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 18 वर्ड का आपका बर्थडे पार्टी, या बर्थडे पार्टी पे आपको 80 वर्ड्स का नोट लिखना है, टॉपिक्स आपको यहाँ गिवन किए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल दी थी, तो और जो है काफ़ी सब्जेक्ट के मैं वीडियो चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ और मैंने कुछ वीडियो किए भी हैं, तो उनको भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।